अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ख़बरनामा और मैं हूँ माहम अब्बास। हुकूमत ने मौलाना फजलुर रहमान की कमर तोड़ दी, मंसूबों पर पानी फेर दिया, किए किराए पर मट्टी डाल दी, मौलाना के साथ हुकूमत ने हाथ कर दिया। हुकूमत ने मदारिस के बच्चों को पीडीएम एहतजाज में शिरकत से रोकने का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने मदारिस के बच्चों को पीडीएम एहतजाज से रोकने के लिए मुशावरत मुकम्मल कर ली। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद को टास्क सौंप दिया। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने उलमा इकराम से अहम मुलाकात करके हुकूमती पॉलिसी पर एतमाद में लिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि मजहब की आड़ में सियासत की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट पीडीएम की हुकूमत मुखालिफ तहरीक जारी है और इस सिलसिले में 19 जनवरी को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने एहतजाज का ऐलान किया गया है। पीडीएम के सदर मौलाना फजलुर रहमान ने वज़ीर आज़म इमरान खान से 31 जनवरी तक मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा किया है और ऐसा ना करने की सूरत में इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है। ये तो साफ जाहिर है कि वज़ीर आज़म इमरान खान मुस्ताफ़ी नहीं होंगे, और अगर इस बार अपनी बात पर अमल करते हुए मौलाना ने लॉन्ग मार्च किया तो लॉन्ग मार्च के शुरका कहाँ से आएंगे? शेख रशीद ने अगर मदारिस के बच्चे ना पहुँचने दिए और कोई कानून साजी कर दी तो फिर गई भैंस पानी में। देखना होगा मौलाना अब क्या बहाना बनाते हैं। लाहौर जलसे की नाकामी का मलबा तो नून लीग पर डाल दिया गया था, अब लॉन्ग मार्च की नाकामी का मलबा मौलाना किस पर डालेंगे? मौलाना की करप्शन से मुतालिक हर अहम अपडेट जानने के लिए खबरनामा को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।